Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. Thank you. जी, absolutely वो तो होनी होनी। इस बार क्या क्या कुछ नया है, कितनी excitement है? बहुत कुछ नया है, like I said, every year I grow wiser and crazier. So this year I will be wilder, crazier and wiser. And even on my birthday and the entire year. And मैं बचपन से ही बर्थडे पार्टीज़ की बहुत शौकीन रही हूँ. मेरे मॉम डैड पागल हो जाते थे, मैं उन्हें काउंट कराती थी. मेरा बर्थडे यहाँ ख़त्म होता था और मैं बोलती थी 364 डेज टू गो मम्मा, शी वुड बी लाइक आर यू मैड. तो मैं रवि के साथ अब ऐसा नहीं करती हूँ, पर अब रवि मेरे लिए काउंट डाउन रखता है बिकॉज ही नोज आई लव इट सो मच. तो इवन दो हम लोग पार्टी नहीं कर पाए सिक्स को, ही केम बैक एंड ही इज़ लाइक वी आर गोना हैव अ पार्टी. मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इनके लुक में कैसे हो सकता है? मेरी पसंद और कपड़ों के मामले वो एक जगह है जहाँ हम लोग की पसंद कभी मैच नहीं करती, जो कि विच इज़ बेसिकली दिया था. सो बट इस बार शी इज़ लिसन टू मी. सो इट्स दिस ब्यूटिफुल लॉन्ग शूज एंड शी इज़ वेयरिंग अ नाइस ड्रेस एंड शी इज़ लुकिंग लवली एज एवर. सो इसको कपड़े इसके नहीं खूबसूरत बनाते, शी इज़ द वे शी इज़ एंड शी मेक्स द क्लोथ्स लुक गुड. अपने दोस्तों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार. अब क्या इज सपोज्ड टू बी सो दैट वी गेट अ लॉट ऑफ वार्मथ फ्रॉम पीपल हुम वी लव एंड वी कैन स्पेंड सम नाइस टाइम एंड वी कैन बी हैप्पी विद द पीपल हुम वी लव. और वो लोग आते ही होंगे बस. सो वो बहुत सारे लोग. ओके, एनी लास्ट मैसेज टू द फैन जो खतरों के खिलाड़ी में भी आपको इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, यू नो, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतने अच्छा खेल रहे हैं. सी इसमें वोटिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इसमें कोई योगदान नहीं है. इसमें योगदान होता है योर प्रेयर्स एंड यू हैव बीन सेंडिंग देम एंड यू हैव बीन सेंडिंग योर लव एंड थैंक यू फॉर दैट ऑलवेज. जस्ट दैट मैं हर बार यही बात बोल के क्लोज करता हूँ और आज भी यही कहूँगा दैट इट्स जो दुआएं जो काम कर जाती हैं लाइफ में उसकी वजह से ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में. पीपल रिमेन हैप्पी एंड वी आर हैप्पी बिकॉज देर आर पीपल हु आर द फैंस एंड यू नो द एडमायरर्स हु आर लुकिंग एट अस एंड विदाउट एनी एजेंडा दे आर कॉन्स्टेंटली प्रेइंग फॉर अस, सेंडिंग अस गुड विशेस. वी आर वेयर वी आर बिकॉज ऑफ दैट. सो जस्ट कीप डूइंग दैट. I would wish Sarguna a very, very happy birthday. It's a joyous day and wish you a fantastic year ahead. Punjabi movies or Bollywood movies mein aao aur success pao. And we're always there to celebrate happiness. Always with you. मैं ये तो नहीं बोलूँगी इस साल कोई गुड न्यूज़ दे दो बिकॉज दैट विल बी वेरी इडियोटिक, बट देन डेफिनेटली द गुड न्यूज़ शुड बी मे बी बोथ ऑफ देम डूइंग अ प्रोजेक्ट टुगेदर. इट वुड बी नाइस टू सी बोथ ऑफ देम डूइंग समथिंग बिकॉज बोथ ऑफ देम एज अ कपल दे आर वेरी इंटरेस्टिंग आई फील. So I would really look forward to see them together in some project. I would just say thank you so much for all the love. Thank you. Mwah, mwah, mwah. Without you guys, we are nothing. So keep watching our shows. Keep giving us all your love because we really need it. Absolutely casual. मैं तो सीधा shoot से उठकर आई हूँ. I haven't dressed up. I haven't put in any of effort. So सबसे ज़्यादा sober मैं ही रहने वाली हूँ इस पूरी party में. So you can get all the dirty secrets from me. पिछले पार्टी में होली खेली थी इन्होंने, उसके पहली पार्टी में दिवाली भी मनाई गई थी, उसके पहली पार्टी में जैगवार आई थी. तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता ही होता है. तो इस बार भी कुछ बड़ा फन है. राइट, डोंट यू थिंक सो? अब हाँ. अच्छा, क्या कुछ तैयारी की है आज? कितना तैयारी? यार मैंने तो बहुत तैयारी की है, बहुत ज्यादा तैयारी की है. अब मैं जानना चाहता हूँ क्या आयन किया है और अपने कपड़े आयन किए. मैंने नहाई हूँ आने से पहले. ये बात भी बिल्कुल सही है, जब बंदी हफ्ते में एक बार नहाती हो, आज पहली बार. हफ्ते में एक बार नहीं ब्रो, होली में हर साल.
अच्छा इसीलिए कल तक हरा हरा लगा हुआ था तुम्हारे पिछली होली से ना ही नहीं थी अच्छा ठीक है फिर कोई चलो इसी बहाने यार हम ना कुछ गिफ्ट नहीं लाए बाय द वे ये हमारे में ना एक्चुअली ये रिवाज ही नहीं है नहीं बोलूं अच्छा ये नहीं मंगवाया है आया नहीं अभी तक आया तो मैं नहीं मानती ये लेने देने वाला रिवाज मैं तो बोल रही हूं मेरे बर्थडे पे आ रहे हो तो कुछ मत लेके आओ और मैं भी कुछ नहीं लेके आऊंगी नहीं मुझे मुझे तो मुझे गिफ्ट देना अच्छा लगता है मतलब सिंधी इज नॉट वेरी सिंधी बाय द वे हां और हाँ मतलब है सरगुन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज आपको बता नहीं सकते क्या नहीं बता सकते उसको तो और वो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास नहीं है ऑर्डर किया हुआ है इट विल टेक टाइम इंटरनेशनल से आ रहा है इंटरनेशनल क्या बात है तो चीता निकला इसको मेरी आंखों का कलर पसंद नहीं है देखिए इसको पता नहीं क्यों ये हरी 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 आंखें पसंद नहीं है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई लाइक इट आई डोंट नो व्हाई यू डोंट लाइक इट बट आई लाइक इट बट आई डोंट नो व्हाई यू डोंट लाइक इट बट आई मुझे थोड़ी पटाने के लिए पहने हैं ना बाकी लड़कियां पटती हैं उससे पहन के तो उनको पटाने के लिए पहने बड़ा अलग अमानसी स्पेशल है यार अमानसी कितना अच्छा वेन्यू आप लोगों पर आए कभी कैमरा रखकर कभी ऊपर आए आपको पता चलेगा आपको मैं बता नहीं सकता कि अमानसी कितना अच्छा है इतनी अच्छी वेन्यू है ये मतलब सुपर ऊपर स्विमिंग पूल भी है ऊपर डेक भी है आप शीशा भी कर सकते हैं अमान जी ना मेरे होने वाले उनका है इनके होने वाले उनका पसीने आ रहा है मैं बोल रही हूं वो देखिए वो जरा जरा कैमरा टर्न वो गुलाबी मोटू खड़े हमारे इधर आओ इनका इनका है अमान जी इसीलिए सबसे स्पेशल है और ये है मेरे होने वाले ये वो है तो ये वो है नहीं 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 मैं इनका होने वाला जीजा इनकी बहन से मेरी शादी है देखिए प्रॉब्लम है बात आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिंपल सा फंडा है इनकी इनके पास बहुत जायदाद है तो हमने बात की हुई है कि हमारे हम गरीब लोग हैं तो हम आपके परिवार में शादी कर लेते हैं एक अमान जी मुझे दे देगा बाकी दो तीन इसके पास खाली दाद है रिंगवर्म ये पता पीछे से सुन क्या है इसने सोचा कि एक पंच मारूंगा ताकि मैं एंटर करूं और इसको कुछ और एक और पंच है मेरे पास अभी कुछ दिन पहले पिक्चर रिलीज हुई थी कैदी बैंड तू है भांड और तूने कैदी जैसे कपड़े पहने सो यू आर कैदी भांड अगर कोई तेरा जेन्युइन फैन है तो वो आशा है वो तो मुझे अलावा कोई नहीं वो तो मुझे पता है वो तो मुझे शुरू से पता है जो आशा टांग मरोड़ के हंसती है ना मेरे जोक्स में उसी से मेरा प्रोत्साहन होता है भाई They meant me. They said both. I'd like to thank my mom, my dad for giving me birth and giving me the opportunity. No, you are not called both. You know what is called both? Me. No. Family देखने वाली है इस शो में ना एक wish एक साथ सर्कल के लिए. लेकिन I have to say, Ravi इस वक्त बहुत ही hot लग रहा है तू आज. It's just amazing. It's amazing. Wow. Oh, what nice. A punch! But yes, we have to wish Sargun a happy birthday, jo ho chuka hai, happy belated birthday. And we're looking forward to this party as well because har saal party mein kuch na kuch grand zarur hota hai. That's very memorable and remembered for life. Memorable and remembered. Kya ki 3-4 fumble maar diye. Memorable. Ek line nahi boli jati dhang se. Ek hai punch maarega. Khali line maarni aati hai. एक जगह तो कैसा है सोने पे इसको मतलब खजाना एक लग गया एक बार लाइन मारने सोने पे सुहागा होता है बगले खजाना हूँ मैं लेकिन हाँ खजाना अच्छा रवि खत्म करो बताओ हमको क्या कहोगे इस पार्टी के बारे में क्या मैं क्या कहूंगा तुमने दिया खर्चा तुम कर रहे हो तुम बोलो तुम बखूना यार मैं क्या तुम तो गेस्ट तुम हो कि मैं हूँ अरे सरगुन का बर्थडे है
और सरगुन का भाई यहाँ पर है, सरगुन के दोस्त यहाँ पर है, सरगुन का पति यहाँ पर है. इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट नाइट, एंजॉय यस. या और सरगुन की पार्टी से कोई छोटी मोटी नॉर्मल पार्टी नहीं होती है, एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीम. ये वो चीज है जो आपको अलग है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है. तो यार तो ऊपर अलग ही माहौल होगा ऊपर. कितनी तैयारियां की आज को लेकर उनकी पार्टी है, कितना स्पेशल है. वेल ऑब्वियसली हम लड़कियां तैयार करना बहुत पसंद करती हैं, और ये जो है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्काई डेक ओन्ड बाय आवर फ्रेंड चिराग एंड इट्स बाय द पूल. तो मैंने सोचा मैं ब्लू कलर पहनती हूँ, यू नो इट विल गो विद द थीम आल्सो. दो एज अ कोई थीम है नहीं, लेकिन मैं अपना ही थीम बना लेती हूँ. वेल ऑब्वियसली माई बेस्ट विशेज आर विद बोथ ऑफ देम, रवि एंड सरगुन. एंड सरगुन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ पीस, जॉय, अबंडेंस ऑफ लव, लाफ्टर, लक, एवरीथिंग यू विश फॉर. ओके, लास्टली कुछ क्या गिफ्ट देना चाहेंगे? वेल मैंने अभी एक्चुअली दे दिया उनको. मैं हमेशा लाइक यू नो उसको कुछ ना कुछ देती रहूँ. इस बार मैंने उसको वाउचर दिया सो दैट शी कैन जस्ट शॉप और उसे जो पसंद है वो उठा सकती है. विश सरगुन के लिए मेरी यही है कि वो जैसे अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रही है वैसे ही करती रहे. शी इज यू नो अपनी एक पहचान खुद बना रही है और आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर. मैं उसको ये पर्सनली बहुत बार कह चुकी हूँ एंड आई होप आगे भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए कि मैं बार बार उसको ये चीज़ बोलूँ. अच्छा, कितनी एक्साइटमेंट होती है हर साल ये इस पार्टी के लिए? बहुत एक्साइटमेंट होती है और एक्चुअली थोड़ा प्रिपेयर करके आना पड़ता है बिकॉज रवि एंड सरगुन आर डेंजरस होस्ट्स. वो अपने गेस्ट्स को, अपने दोस्तों को यू नो खाली हाथ नहीं जाने देते. आपका पेट भरा होता है और इट्स रियली हाई स्पिरिटेड. So yeah, I always look forward to their parties. I always look forward to meeting them. Sab dost hain, so yeah. Acha, aaj ke outfit ko lekar kya kehna chahiye? Aapne kitni taiyari kar? मैं एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी ईजी बिकॉज इट्स रियली हॉट एंड इट्स जेन्युइनली वेरी हॉट राइट. बॉम्बे में बहुत गर्मी है गाइज, बहुत ह्यूमिड हो चुका है सब कुछ. सो या आई वॉन्ट टू बी ईजी एंड ईजी ब्रीजी एंड आई नो क्योंकि मैं बहुत खाऊंगी बहुत पीऊँगी सो आई थॉट दैट आई शुड वेयर समथिंग लूज सो आई कैन बी कम्फर्टेबल. कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, इट्स नॉट एज बोरिंग एज इट लुक्स पीपल. कुछ नहीं, मैं आई डोंट नो इफ आई कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी बट कल ही मैंने एक अवार्ड जीता है और मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि वो वोट्स के बेसिस पे मैंने जीता है, ऐसा मुझे चैनल ने बताया. सो आई विल लुक फॉर एवरी मीडियम टू टेल माई फैंस थैंक यू सो मच. अगर आपने मेरे लिए वोट किया है थैंक यू सो मच फॉर वोटिंग फॉर मी एंड या कीप लविंग मी एंड आई वॉन्ट टू जस्ट कीप वर्किंग फॉर यू गाइज. You made my day. मतलब made my day, made my week, made my month. No, I've not lost weight. ये भूल भुलैया है. I think I don't know. सब बोल रहे हैं I've lost weight. So I will take it. But you know, खुद को नहीं लगता that you've lost weight. कितनी excitement है इस party के लिए? आप क्या कुछ wish करना चाहेंगे सर? Wish her a very happy belated birthday. Yeah, actually. Because today is not her birthday, but today is her party because Ravi was not here. So just a very happy belated birthday. Like I said before, I think Sargun is a wonderful human being and it's so good to come across such people because you don't find so many people like that. So Sargun, just be the way you are. You're fabulous. Your thoughts, the way you live, everything is great. I wish you a very, very, very happy birthday. That's what everyone is asking. I don't know. तैयारी या अवार्ड फंक्शन नहीं है, ये किसी का बर्थडे पार्टी है. क्या पहले एक दूसरे की कुछ कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है? आप इनको दिखाते हैं? नहीं, हाँ दिखाते हैं एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को. हाँ, बट आज सेट से आया है और मैं घर से और हम बीच रास्ते में मिल के यहाँ आए हैं. सो वी रियली डिडंट हैव टाइम टू लुक एट ईच अदर. But my wife is looking beautiful as always. We yeah. are looking very handsome too. Thank you. Lastly, कुछ fans को कहना चाहेंगे. सब लोग सरगुन को wish करो, उसके birthday के लिए आए हैं. Wish her sure. all the very best in life and may she get whatever she wants. Everyone make that wish for her. I think so.
मैं बहुत खुश हूँ, मुझे क्या विश करना चाहोगे आज? हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, वी लव यू। कोई खास विश जो इस साल आप मांगना चाहोगे उनके लिए? Happy birthday, हमेशा खुश रहो। I just want to wish her all the best, यार अच्छा कर रही है, अच्छी फिल्म्स कर रही है। She's doing very good in Punjabi films, so may she do even better. Okay, look को लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत ही, you know, fresh looking, looking very very hot and he look should say something about me. Look को लेकर मैं time नहीं लगाता हूँ, संजीदा तैयार होती है, I just जो सबसे पहले आता मैं पहन लेता हूँ। She is the one who dresses up. She is a beautiful girl. She is looking like a rainbow and a peacock mixture. She just called me beautiful and you like from that no, it's okay, it's okay. But no, peacock, I think I have peacocks are a national bird, yeah, and they're beautiful, and the feet are ugly, so it's okay. Nahi kuch nahi hai, maine and she's designed herself. Yeah. Okay, kya kehna chahoge? Main kaisi lag rahi hu? Achhi lag rahi hu. Dress ko lekar, dress ko lekar, I like colors. I'm a happy person, so I like wearing something colorful only. Isn't she looking beautiful? देखो Now you're making it up. कितनी प्यारी लग रही है लड़की। लास्ट मैसेज फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट मैसेज फैंस को बोल दूं, फैंस आप लोग भी प्लीज सरगुन को हैप्पी बर्थडे विश कर देना मेरी तरफ से। थैंक यू। एक आमिर को समझ सिंग अ सॉन्ग नो या एंड द वर्स्ट सिंग इन द वर्ल्ड बिल हो गया कम ब्रो बाय बाय येलो बंद करना, येलो बंद कर दे, येलो मत जला, कौन जला रहा है? चल अब तुझे ना तुझे ठीक है। क्या विश करना चाहेंगे स्पेशल डे पर सभी? हैप्पी हैप्पी बर्थडे सरगुन, मोर लव टू यू, मोर पावर टू यू, एंड हैव अ ग्रेट रॉकिंग डे टुनाइट। ऑफ कोर्स आई मीन योर बर्थडे इज ऑलरेडी पास्ट, बट आज हम बहुत सारी पार्टी करने वाले हैं, बहुत मजे करने वाले हैं, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। ओके, ब्लैक इज द कलर टुडे? यस, ब्लैक इज अ गर्ल, द लेडी इन ब्लैक। वी जस्ट मैच। ओके, सरगुन की बात है, इस साल कुछ विश करना चाहोगे उनके लिए, क्या कुछ खास होगा? मैं चाहता हूँ ये साल उसके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत सारी फिल्में करे और उसकी सारी फिल्में सुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, और बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस भी करे। उसका म्यूजिक वीडियो जो अभी आया वो भी बहुत अच्छा था, तो आई विश कि शी गेट्स द बेस्ट ऑफ सॉन्ग, शी गेट्स द बेस्ट ऑफ मूवीज एंड शी गेट्स द बेस्ट ऑफ वर्क। ओके, बिगर फ्रेंड, उनकी एक क्वालिटी जिसे चेंज करना चाहते हो, एक क्वालिटी जो बहुत ही अच्छी है? यार उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी तो ये है कि शी इज़ वेरी वार्म। दोनों रवि और सरगुना बहुत हॉस्पिटेबल हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी कंपनी में आके, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और कौन सी बात चेंज करना चाहूँगा? नहीं यार, वो सब अच्छी है, उसकी सारी बातें अच्छी हैं, और उसका बर्थडे है तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ मैं। लास्टली एनी मैसेज फैंस को कुछ कहना चाहूँगा? गाइस, कीप वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग ऑल द फ्रेंड्स दैट वी हैव इन द टीवी फ्रेटर्निटी। एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड ऑन देयर वर्क एंड जस्ट कीप लविंग एवरीबडी ऑफ आई मीन एवरी वन ऑफ अस। बस वो बहुत मस्त लड़की है यार, बहुत बिंदास लड़की है, और मैंने एक साल काम किया है, लेकिन एक साल में काफ़ी अच्छी दोस्ती आ रही हो गई है, और अब तक वो जारी है बालिका के बाद। वो एक ऐसा घर है रवि सरगुन का कि मैं जाके बोल सकता हूँ यार मुझे भूख लग रही है और फटाफट कुछ बना दो, तो उतना हक से मैं कह सकता हूँ। बहुत ही वार्म है रवि और सरगुन, बहुत जब भी कोई घर आएगा तो ये खाओ वो खाओ, मतलब ऐसा बहुत अमूमन बहुत कम होता है क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, लेकिन इनके घर जाओ तो वो एक मान सम्मान अपनापन सब मिलता है, तो वो एक बहुत प्यार है मेरा सरगुन से। मैं चेंज कुछ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनसे कुछ क्वालिटी अपने आप में डेवलप करना चाहूँगा, और वो है बिंदास। सरगुन जो है फुल ऑफ लाइफ है, बहुत पॉजिटिव है, और फ़ोन पे बात करो तो वो 10 मिनट की बात होती है लेकिन वो आधे घंटे खिंच जाती है हमारी,
तो वो दैट्स अ बॉन्ड विच आई शेयर विथ हर एंड शी इज़ अ डैम पॉजिटिव गर्ल. वो पंजाबी मूवीज़ में बहुत धमाल कर रही हैं, आगे भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं. बस हैप्पी बर्थडे टू हर. फैंस को क्या मैं फैंस को क्या मैसेज है, मतलब खुश रहो, मस्त रहो और मेहनत से काम करिए, बड़े सपने देखिए, उनके लिए मेहनत कीजिए और बस आगे बढ़ते रहिए. बी पॉजिटिव, दैट्स ऑल. और मैं तुझे यहाँ से ऐसे अंदाजा करता हूँ जैसे बहन को करते हैं. सरगुन की बर्थडे तो जा चुकी है, उस दिन मैंने बहुत सारी विशेस दे दी थी बट स्टिल आज हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली सरगुन एंड रवि बोथ आर वेरी कनेक्टेड टू द कॉस्मिक पावर्स एंड दे बिलीव अ लॉट इन द यूनिवर्स एंड आई वुड रियली वॉन्ट एंड विश द यूनिवर्स टू ब्लेस देम विद ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द थिंग्स दैट दे वांट इन देयर लाइफ. कुछ भी नहीं, मेरे वार्डरोब में कुछ भी नहीं था. जब भी मुझे कोई पार्टी में जाना होता है मेरे पास कपड़े नहीं होते. सो आई एम जस्ट आई एम वेयरिंग अ वेलवेट प्लाजो पैंट्स एंड आई एम जस्ट थीम्ड इट विद अ नाइस क्रॉप टॉप. ऑब्वियसली इट्स सरगुन्स बर्थडे तो वी ऑल आर एक्साइटेड टू पार्टी अपस्टेयर्स. लव यू गाइस. चलो ऊपर, चलो ऊपर. एक बार ऊपर हमने अभी ये सोचा है कि सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हम लोग बर्थडे हैप्पी बोलेंगे, तो ये खास तरीका हमने ढूंढा है विश करने का. तो ये खास रहेगा आज, हम बर्थडे हैप्पी बोलेंगे ना. बर्थडे हैप्पी सरगुन. मैं बर्थडे हैप्पी. बहुत ज़्यादा नॉर्मली भी किसान लोग क्या है ना, ही वाज बिजी विद हिज ओन वर्क. फनी मैन, ही वाज बिजी विद हिज ओन वर्क. अच्छा मैं बता देता हूँ, बता दिया. आई एम बिजी विद माई ओन वर्क और ये है, बट यहाँ आके हम लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं कि हम अपना काम वाम छोड़ के यहाँ पर आना चाहते हैं. नॉर्मली सारे फ्रेंड्स आप मिल नहीं पाते, एटलीस्ट इन बर्थडे पार्टीज पे यू गेट टू मीट ऑल योर फ्रेंड्स एंड यू नो सब अपने काम से फ्री होके एटलीस्ट यहाँ पे 3-4 घंटा रिलैक्स होके यू नो यू जस्ट हैव फन. बाय द एंड ऑफ इट यू हैव टू गो बैक टू योर वर्क एंड यू नो सेम ग्राइंड एंड एवरीथिंग. सो इट्स लाइक अ एंड देयर पार्टीज आर फेमस फॉर यू नो making people drunk and you know so that they go and say utha ke god mere gaadi mein dala jata hai. So I'm hoping ki aaj bhi aisa kuch dekhne ko milega. You get to see big makeup designer Shraddha is here with like flower petals and everything. So yeah, we have a lot of young people attending this. Kitna miss karenge bilkul bilkul hai na. Nahi nahi karte rahe aap kar rahe. हाँ मैं किशोर को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि किशोर होती है तो इसको थोड़ा सा खींचती रहती है और उसको पट्टे में लेकिन नहीं भाई ऑब्वियसली यार बिकॉज़ यू नो व्हाट हम लोग हमेशा किशोर इज यू नो सरगुन्स बर्थडे इज वन ऑफ दोस बर्थडे जहाँ किशोर सबसे ज़्यादा इन्जॉय करती है बिकॉज शी गेट्स टू मीट आशा सुरभि एंड द सेम ग्रुप सरगुन एंड ऑल ऑफ देम दे गो मैड. एंड प्लस अभी उसका पैर टूटा हुआ है तो ऑब्वियसली उसको बुरा लग रहा है. सो ऑब्वियसली हम लोग उसको स्नैपचैट्स भेजेंगे रेगुलरली, चलाते रहेंगे कि हम पार्टी कर रहे हैं. चले हाँ, थैंक यू सो मच. बताइए सरगुन की एक चीज करना चाहूंगा. सरगुन तो बहुत है लेकिन ये है ना जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. थैंक यू. और लोग हमारे यार कभी कभी अच्छा आके दे जाता हूँ ना, आके दे जाता हूँ 5 मिनट.